हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आपसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। देर अभी का जो वीडियो है, रेड से भविष्यवाणी, इस वक्त आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आज रात वो क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, ठीक है। आज रात आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनका दिल और दिमाग कह रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, तो ये रेड से भविष्यवाणी से मैं देखना चाहूंगी डियर, क्या आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आज रात क्या है आपके लिए, ठीक है। चलिए पॉजिटिव हो जाइए, देखती हूँ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मेल हो फीमेल हो, मैरिड और मैरिड हो, सभी के लिए है डियर। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनिए, ध्यान से सुनिए, जितना रेजोनेट करता है बाबू उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं। जस्ट गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड, जय माँ गंगे, हर हर 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 गंगे, जय माँ गंगे, हर हर 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 गंगे। देखिए डियर, पहले ही थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बनी है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम पहले ही दिख गई डियर, ठीक है। देखिए डियर, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं तेजी से, ये बढ़ना चाहते हैं आपके तरफ तेजी से, लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ आई है डियर, तो ब्लॉकेज है डियर, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको लेकर आज बहुत ज्यादा ये सोचने वाले हैं, आज रात आपके पर्सन आपको लेकर सोचने वाले हैं, लेकिन आपके तरफ एक्शन को लेकर ये पैशनेट तो हैं, लेकिन डिसीजन लेने में ये थोड़ा समय लेंगे, सोच समझकर ये डिसीजन लेंगे, लेकिन ये एक्शन लेंगे आपके तरफ, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी इनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और ये बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं, ये आज आपको बहुत फील करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग कांटेक्ट नहीं भी करेंगे, कुछ लोग कांटेक्ट भी करने वाले हैं डियर, अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, कुछ के पार्टनर फीलिंग्स छुपाने वाले हैं आज रात डियर। लेकिन मैं कह दूं डियर, इनका जो डिसीजन होगा सोच समझ कर होगा, किसी के लिए सोच समझ कर होगा, किसी के लिए स्लो भी दिख रहा है डियर। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको ढूंढ रही है, आपको पाना चाहती है, फिजिकली मेंटली हर तरह से आपको वो पाना चाहते हैं। यहाँ आज आपके पार्टनर आज रात आपको फील करने वाले हैं। आज रात डियर अचानक से आपके तरफ कॉल मैसेज आ सकता है या वीडियो कॉल मैसेज कर सकते हैं आपके पर्सन डियर, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ आप लोग मेरे व्यूवर्स, आप चुप हो, खामोश हो, नजर तो आप अपने पार्टनर पे रख रहे हो, उनकी गलतियों के बारे में सोचना, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना, ये मुझे आपकी भी एनर्जी यहाँ दिख रही है, बट आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आपकी तरफ तेजी से बढ़ना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में ये टाइम लगाएंगे डियर, ठीक है। ऐसा नहीं डियर कि आपको इग्नोर करें या फिर रिश्ते से डिनाई करें, ऐसा नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन समय को देखते हुए सोच समझ कर ये डिसीजन लेंगे, लेकिन इनके ऊपर जो प्रेशर बर्डन है उनसे ये निकलना चाहते हैं कि कैसे निकलूं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए भी कुछ सोच रहे हैं डियर, यहाँ पे एक हार्ट से बना है, ठीक है। इनके अंदर से एक जलन हो रही है, तरफ बढ़ रही है आपके लिए, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर, लेकिन ये सोच समझ के इसलिए डिसीजन लेंगे कि सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन, डिसीजन जो होता है वो लंबा जाता है, पूरी लाइफ के लिए होगा, इसलिए ये आपको खुलकर ये आपको डिसीजन नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है, ये आपके तरफ कब बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ रोक भी रहे डियर। लेकिन हो सकता है इनकी जो एनर्जी है कभी कभी हाई वाइब्रेशन जाती है और आपको मिस करती है, ये अचानक से हो सकता है मेरे बहुत व्यूवर्स के पास आज रात बात हो सकती है, कॉल मैसेज आ सकता है डियर, इक्का दुक्का के लिए वीडियो कॉल भी हो सकता है, प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, इसलिए समय ले रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये समय ले रहे हैं, लेकिन बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है, काम है, बर्डन है, परेशानी है, थर्ड पार्टी इशू है, फाइटिंग होती है, इसलिए कभी कभी आपके पर्सन यहाँ पे थोड़ा चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं डियर, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे वो नहीं शेयर करते हैं, ताकि
ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाओ और कहीं ना कहीं आप दोनों में बहस और फाइटिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके सामने वो अपने आप को हार मान जाते हैं और ये आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने चीट तो किया, धोखा दिया, इस वजह से थोड़ा सा ये अंदर से टूटा हुआ फील करते हैं डियर, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। आप हर कुछ डिजर्व करते हो, दुनिया की हर खुशी डिजर्व करते हो, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, वो आप में खूबी है जो वो अब देख रहे हैं। ठीक है, एक्शन तो लेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन अभी थोड़ा स्लो है, समय का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा ये समय ले रहे हैं डियर। यहाँ आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कीजिए, हाँ उनसे गलती हुई है, ये कहना चाह रहे हैं आपसे, ये आपके कहना चाह रहे हैं पार्टनर कि जो भी गलतियां हैं उसे नजरअंदाज करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। अभी एकदम से आपसे वो मैरिज नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कह भी रहे हैं कि छुपा रहा हूं या छुपा रही हूं, कुछ ऐसे बातें कि समय आने पर आपसे वो ओपन होंगे। यहाँ भी ये भी एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग के ही बारे में सोच रहे हैं डियर। ठीक है, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग के बारे में ही सोच रहे हैं कि कैसे एक्शन लूं, लेकिन ये बहुत पैशनेट भी हो रहे हैं, ये बढ़ना तो बहुत तेजी से चाहते हैं डियर। कुछ ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ ट्रैवलिंग की प्लानिंग हो रही है, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं डियर। देखिए, या इन्फिनिटी का साइन बनने का मतलब ही कि आप उनकी विश हो, ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है डियर कि आप कहीं ना कहीं अब दिल दिमाग में इस रिश्ते को आप जान लिए हो, या फिर दिल दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आपके दिल और दिमाग में बहुत सारे विश है और मैनिफेस्ट भी आप कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप भी मैनिफेस्ट करो, दिल दिमाग में बहुत सारे आपको करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, मैरिज को लेकर, बहुत पार्टनर को लेकर कुछ ना कुछ बहुत सारे सवाल जवाब है, और विश भी आपकी मन्नतें भी हैं, कुछ मन्नतें भी हैं जो आपने मांग के रखा है डियर। ठीक है, यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, लेकिन देखिए आप भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज आप भी हो, आप भी कुछ कंफ्यूज हो, और आपके पार्टनर भी खुलकर जो है ना इजहार नहीं कर पा रहे हैं, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कुछ गलतियां हुई है। ठीक है, दुनिया के वजह से गलती गलत फहमिया की वजह से ये आपके सामने आकर खड़ा नहीं हो पा रहे, लेकिन इस वक्त एनर्जी है कि वो आपके लिए बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं, वो आपकी तरफ तेजी से बढ़ना चाहते हैं, बहुत लोगों का कॉल मैसेज आ रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको बोले मुलाकात करना है, बात करना है, वो रियूनियन चाहते हैं, लेकिन आपको समझाना भी चाहते हैं, और ये इनको डर इस बात का कि आप सोचोगे कि जब भी मैं मिलने बुलाती हूँ तो आप समझ जाओगे कि मतलब से ही आप आए हो या आपके पर्सन आए हैं, तो कहीं ना कहीं इंग और यंग की भी एनर्जी बन रही है, तो कहीं ना कहीं बाबू आप लोग को शिव शक्ति बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत लोग की मुलाकात बात हो सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव की भी एनर्जी है डियर। ठीक है, कंफ्यूजन है, डर है, फाइटिंग है, ये भी एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है आप लोग को कुछ समय अभी मैं बता दूं, आप 1 से 2 से 3 दिन तक थोड़ी एनर्जी को बचा कर रखना। ठीक है, बैलेंस में उतार चढ़ाव होंगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 3 दिन आप लोग अपनी एनर्जी को बचा के रखना, फाइट करने की कोशिश की जाएगी, कंट्रोल रखना, अचानक से आपका गुस्सा बढ़ सकता है, घर में, फैमिली में, पेरेंट्स से कुछ भी ऐसे बात बढ़ सकती है आने वाले 3 डेज, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन आप लोग बैलेंस कर लोगे, क्योंकि आप लोग समझदार हो गए हो, अब जान रहे हो कि क्या होता है, नहीं होता है, क्यों ऐसा होता है, तो आप बैलेंस करना सीख रहे हो, और बहुत लोग बैलेंस कर भी रहे हो। ठीक है, तो आप लोग इस वक्त कंट्रोल बनाकर रहना, ठीक है, क्योंकि ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप लोग, हो सकता है एनर्जी में अचानक से उतार चढ़ाव हो, गुस्सा, आवेश, कभी आप लोग बैलेंस में आओगे, कभी आपको गुस्सा लगेगा, कभी आप पार्टनर पर गुस्सा करोगे, कभी थर्ड पार्टी को लेकर चिड़चिड़ापन आएगा, हो सकता है फैमिली मेंबर से झगड़े, फाइटिंग हो, इस तरह आने वाले 3 डे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग बैलेंस भी करोगे, कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर यही यहाँ एनर्जी निकल रही डियर कि आपके तरफ तेजी से ये बढ़ना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन आपके लिए है कि आपको इंग और यांग शिव शक्ति को और बैलेंस करना है, 3 दिन आपको बच के रहना है, बैलेंस में रहना है, आपकी भी बहुत मन्नतें हैं, आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए सोच रहे हैं, इसलिए आपको खुलकर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि सही समय नहीं, लेकिन पैशनेट बहुत है, प्यार बहुत बढ़ रहा है, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको टच करने की एनर्जी दे रहे हैं, मतलब इनको आपको टच करना है, हग करना है, गले लगाना है और आपको समझाना है, ये आपके पार्टनर आज रात फील करेंगे और ये एक्शन के बारे में सोचेंगे आज रात डियर कि मुझे एक्शन लेना है,
और कैसे लेना इसके बारे में आज पूरी रात सोचेंगे। कुछ लोग का तो कॉल मैसेज भी आ जाएगा डियर, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन आप लोग बैलेंस में एनर्जी बचाकर बात करना, गुस्से पे कंट्रोल करना, बैलेंस करना, बस इतना एनर्जी है डियर। तो आज शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है डियर। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।